दिस न्यूज इज ब्रॉट टू यू बाय भूषण ज्वेलर्स सोलन। ऊना जिला मुख्यालय से सटे रामपुर स्थित कृषि विज्ञान केंद्र में महक योजना के तहत औषधीय एवं सुगंधित पौधों के प्रसंस्करण को लेकर विशेष प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया जा रहा है। इस शिविर में कांगड़ा जिला के देहरा उपमंडल के करीब 40 महिलाओं को इन पौधों के प्रसंस्करण से संबंध में तमाम जानकारियां दी जा रही हैं। इसके साथ साथ इन पौधों की खेती और इनकी मार्केटिंग चेन को लेकर भी उन्हें विशेष ट्रेनिंग दी जा रही है। मेरा नाम, मैं डॉक्टर अरुण चंदन हूँ। मैं रीजनल डायरेक्टर के तौर पे आयुष मंत्रालय भारत सरकार के एक नेशनल मेडिसिनल प्लांट्स बोर्ड है उसका एक उत्तर भारत का 7 राज्यों का एक रीजनल सेंटर है जोगिंद्रनगर में। वहाँ से हम पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल, उत्तराखंड, दिल्ली और ये 7 स्टेट्स के काम को देखते हैं। हमारा काम मुख्य रूप से सिंगल स्टॉप सोल्यूशन के तौर पर काम करना है मेडिसिनल प्लांट्स यानी जड़ी बूटी के हर क्षेत्र के अंदर। किसानों को, इंडस्ट्री को, एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस को हम सहायता करते हैं। तो आज का जो कार्यक्रम है इसमें ये 5 दिवसीय कार्यक्रम है जो कृषि विज्ञान केंद्र ऊना के साथ मिलकर के उद्यान विभाग हिमाचल प्रदेश के साथ चल रहा है। इसमें जो देहरा विकास खंड के जो प्रगतिशील महिलाएं यहाँ आई हुई हैं, बहुत ही उद्यमी महिलाएं हैं जो आने वाले समय में सगंध पौधों की खेती को अपना रोजगार बनाना चाहती हैं, उसके माध्यम से काम करना चाहती हैं। तो उनको व्यवहारिक प्रशिक्षण देने के लिए हम लोग यहाँ हैं कि किस तरह से वो औषधीय पौधों से, सगंध पौधों से उनकी प्रोसेसिंग करके, उनकी खेती करके वो अपनी आजीविका सुनिश्चित कर सकती हैं। तो आज हम इनके साथ सप्लाई चेन के एस्पेक्ट्स पे बात कर रहे हैं कि कौन कौन से पहलू हैं जिनके ऊपर जानकारी होना जरूरी है ताकि मार्केटिंग जैसी चुनौती से अच्छे प्रोडक्ट्स की वैल्यूएशन सोर्स पे करके ये अपनी आमदनी को दुगना कर सकें और हिमाचल प्रदेश को एक नया जो है वो कि हिमाचल प्रदेश की प्रगति में एक नया इतिहास इस कार्यक्रम के माध्यम से लिख सकें। 40 महिलाएं विकास खंड देहरा से हैं और क्योंकि देहरा एक ऐसा क्षेत्र है कांगड़ा जिला का जहां जैविक संसाधनों की काफ़ी बहुतायत है तो इनके पास काफ़ी संभावनाएं हैं कि जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बायो रिसोर्सेज हैं उनके माध्यम से भी और खेती करके भी औषधीय पौधों से ये अपनी आमदनी को कमा सकते हैं। मैं यहाँ 40 किसानों को लेकर आई हूँ जिसमें हम सुगंधित एवं औषधीय पौधों के बारे में इनको जानकारी दे रहे हैं और ये सारे के सारे फार्मर्स जो हैं वो औषधीय पौधों में ये महिलाएं हैं जो कार्य कर रही हैं और हमारा प्रयास इनको यहाँ प्रशिक्षण दिलवाने का यही है कि हम इनकी आमदनी को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा सकें क्योंकि ये महिलाएँ सभी जो हैं वो गाँवों से बिलोंग करती हैं तो गाँवों में ये अपने प्रोडक्ट तो बना लेती हैं लेकिन इनको बेचना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए इनको यहाँ 5 दिन की ट्रेनिंग में हर एक पहलू पे प्रशिक्षण दिया जाएगा ताकि ये अपने प्रोडक्ट को भी बेच सकें, अपने परिवार को भी चला सकें और अपनी आमदनी बढ़ा सकें। ठाकुर जी, एक बार अक्सर देखने में आती है कि किसानों के लिए ट्रेनिंग कार्यक्रम जो है वो आयोजित किए जाते हैं लेकिन उसके बाद कहीं ना कहीं किसान जो है वो उसको कर नहीं पाते हैं तो क्या इसको भी सुनिश्चित किया जाएगा बाद में भी इस ट्रेनिंग कैंप के कि वो किसान जो है वो इस काम को करें? जी बिल्कुल, इसमें किसानों का विभाग के साथ पूरा सहयोग है और विभाग भी इसी प्रयास में है कि किसानों की आमदनी को बढ़ाया जाए। इसके लिए हमारे विभाग द्वारा बहुत सी स्कीमें चलाई जा रही हैं जिसमें इनको अनुदान राशि भी उपलब्ध करवाई जा रही है ताकि ये अपने काम को बड़े स्तर पर, बड़े पैमाने पर आगे बढ़ा सकें। धन्यवाद। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए ऊना से मुनिंदर अरोड़ा की रिपोर्ट। गुणवत्ता और विश्वसनीयता के लिए प्रसिद्ध अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस से सम्मानित भूषण ज्वेलर्स में ग्राहकों के लिए आकर्षक डिजाइन युक्त ज्वेलरी उपलब्ध है। भूषण ज्वेलर्स में उपलब्ध आकर्षक डिजाइन युक्त आभूषण ग्राहकों को बरबस ही अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। भूषण ज्वेलर्स आभूषणों की खरीद फरोख्त पर ग्राहकों को विशेष योजना भी उपलब्ध करवा रहा है। भूषण ज्वेलर ने गुणवत्ता और विश्वसनीयता के आधार पर हिमाचल प्रदेश सहित देश विदेश से ग्राहकों का दिल जीता है जिसके लिए भूषण ज्वेलर्स को अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस से सम्मानित किया गया है।